दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून मिशन में एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। 17 अगस्त 2023 की दोपहर चंद्रयान 3 अपने सारथी यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है, जिसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़कर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अपने आगे के रास्ते चल पड़ा है। क्या कुछ है इस रास्ते में खास और क्या है इसरो के वैज्ञानिकों का प्लान, हम आपको बताएं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो आज़ादी के फौरन बाद से ही भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो गया था, लेकिन रिसोर्सेज के अभाव में इसकी स्पीड स्लो थी। साल 1963 में भारत के वैज्ञानिकों ने देश का पहला रॉकेट लॉन्च किया था, जिसकी तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के लोगों ने भारत का मजाक उड़ाया था। और एक आज का समय है, सांप और साधुओं का देश कहे जाने वाले भारत के स्पेस मिशन की तरफ पूरी दुनिया अपनी आँखें बिछाए बैठी है। भारत की तकनीक में उन्हें अपना फायदा दिख रहा है और यह सब कुछ संभव हो पाया है इसरो के मून मिशन की वजह से। आप सबको याद होगा, साल 2008 में इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना चंद्रयान 1 मिशन भेजा था, जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। हालांकि उस समय पूरी दुनिया ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन बाद में यूएस स्पेस एजेंसी नासा के इक्विपमेंट्स ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की, जिसके बाद से पूरी दुनिया का ध्यान भारत के इसरो की तरफ गया था। और अब एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने अपनी तरफ खींच लिया है, और इसके पीछे की वजह है चंद्रमा का साउथ पोल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के पास लैंड करेगा। और आपके लिए ये जानना गर्व की बात है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम नहीं रखा है। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसरो ने आज अपनी टेक्नोलॉजी को इस कदर एडवांस कर लिया है कि 17 अगस्त को जब चंद्रयान 3 का सेपरेशन हुआ, तब यान लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेड, यानी राइट के लिए धन्यवाद दोस्त। साथ ही इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। इस तस्वीर को इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जहां से आप देख सकते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सब कुछ सही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सेफ लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर अपने कदम रख चुके हैं, और अब भारत भी अपने इस मिशन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को आगे की यात्रा अकेले तय करनी है। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारा चंद्रयान बिना डरे अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर पूरा हो गया है। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से मिनिमम डिस्टेंस 25 किलोमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस 134 किलोमीटर रह गई है। हालांकि हाल ही में इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने से पहले उसकी इंटरनल जांच की जाएगी, और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक वहां लैंडर मॉड्यूल की लैंडिंग नहीं कराई जाएगी। वेल, आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। अभी चांद पर रात है और 23 अगस्त को वहां सूरज निकलेगा। यही वजह है कि दिन की रोशनी में ही लैंडर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा, ताकि रोवर बेहतर तरीके से वहां रिसर्च कर सके और बेहतर तस्वीरें भेज सके। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर पानी की खोज करेगा, साथ ही वह चांद पर केमिकल एनालिसिस भी करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इस समय इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफी क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए लैंडर की स्पीड को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। इसरो के चेयरमैन ने भी जानकारी देते हुए बताया है कि
चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल को चांद पर लैंड कराने में सबसे बड़ी चुनौती उसे लैंडिंग से पहले टर्न करना है। उन्होंने बताया है कि जब लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने के लिए उतरेगा तो वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, लेकिन उसे लैंडिंग से पहले 90 डिग्री पर मोड़कर वर्टिकल करना होगा। अगर यह सक्सेसफुली हो गया तो लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग के चांस और बढ़ जाएंगे। वेल, इन सब के बीच लैंडर से अलग हुए प्रोपल्सन मॉड्यूल को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्सन मॉड्यूल में 1696 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल के सहारे ही यान की पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई, 6 बार इंजन ऑन किया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री में पहुंचा, जहां फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्सन मॉड्यूल का इंजन ऑन किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल खत्म हुआ। यानी अब प्रोपल्सन मॉड्यूल में कुल 150 किलो फ्यूल बचा हुआ है और इसरो द्वारा दी हुई जानकारी के मुताबिक ये फ्यूल कई वर्षों तक काम कर सकता है, यानी हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्सन मॉड्यूल कई वर्षों तक काम कर सकता है। इसके अलावा यदि चंद्रयान 3 के इस मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो आने वाले समय में चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल भी हमारे काफी काम आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट्स को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।